हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, गाओ विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय विश्व की माता है। यही नहीं, माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौमुख से हुई है। मानव समाज ने माँ शब्द गाय से ही सीखा है। जब गाय का बछड़ा रंभाता है तो माँ शब्द ही गुंजायमान होता है। ऐसे भी गाय माता हम सबको अपनी माँ की तरह ही अपने दूध से पालती पोसती है। हमने कई गौशालाओं को देखा है, सभी गौ माता की सेवा संभाल के लिए समर्पित है। हर गौशाला में हमने कुछ न कुछ नवाचार देखे, पर इस सालासर गौशाला में हमने कुछ खास, अनोखे, प्रथम और नवीन नवाचार देखे। गौ माता के साथ साथ पशु पक्षियों की सेवा भी देखी। हमने जो खास देखा वो आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। मशीन से रोटियां बनते आपने बड़े भंडारों में देखी होगी। यहाँ गौवंश अन्नपूर्णा रसोई में मशीन से 1 क्विंटल आटा, बाजरा और अन्य अनाज की रोटियां बनाई जाती है। ये मशीन 1 घंटे में 1000 रोटियां बनाती है। फिर दानदाता और भामाशाह जितनी चाहें उतनी बनवा सकते हैं। एक फुली इक्विप्ड हाईटेक हॉस्पिटल है, जहां एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर, लैब और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसे अनुभवी डॉक्टर और स्टाफ संभालते हैं। हाइड्रोलिक एम्बुलेंस भी है, जिससे आसपास के क्षेत्र के बीमार और एक्सीडेंटल गौवंश को लाया जाता है और उनका उपचार किया जाता है। पक्षी सेवा के तहत घायल मोर, बंदर के साथ साथ और भी पशु पक्षियों का इलाज किया जाता है और स्वस्थ होने पर छोड़ दिया जाता है। इजरायली तकनीक से जवारे उगाए जाते हैं, जिसे आप वीडियो में आगे देखेंगे। गौशाला परिसर में सैकड़ों पेड़ों पर अनेक घोंसले बने हैं और चुगा पानी की व्यवस्था भी की गई है। छप्पन भोग, सवामणि, तुलादान, क्या नहीं है गौ माता के लिए। भाई साहब, ये गौशाला नहीं अपितु गौ मंदिर हमें लगा, स्टेट ऑफ द आर्ट। हम तो सोचने लगे क्या इससे बेहतर भी कोई गौशाला हो सकती है क्या। बहुत सारे पेड़ पौधों पर पक्षियों के लिए विभिन्न रंगों और किस्मों के दाने रंग बिरंगे सुंदर सुंदर कंटेनर्स में ऐसे झूल रहे थे मानो किसी ने क्रिसमस ट्री सजा कर लगाया हो। इतने सुंदर लग रहे थे भाई साहब, मैं तो इन्हें ताकता रह गया। ऐसी व्यवस्था अगर सब जगह हो जाए तो हमारे पक्षी और पर्यावरण दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। 25 बीघा में गौशाला का फैलाव है। लगभग 1650 रिकॉर्डेड गोवंश है। 60 से 65 डेडिकेटेड कर्मचारी है, जिसमें 10 हॉस्पिटल स्टाफ शामिल है। ऋषि मुनि, संत महात्मा सभी कह गए हैं कि पशु पक्षियों को दाना पानी खिलाने से मनुष्य के जीवन में आने वाली कई परेशानियां दूर हो जाती है और प्रभु की भक्ति के कृपा पात्र बनते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के साथ मानसिक शांति प्राप्त होती है। ये जरूरी नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। गौशाला में बैठकर किए गए यज्ञ, हवन, जप तप का फल कई गुना मिलता है। बच्चों को नज़र लग जाए तो गौ माता की पूत से झाड़ने से नज़र उतर जाती है। भगवान कृष्ण ने जब पूतना का उद्धार किया तो माँ यशोदा को लगता था कि मेरे लाला को हमेशा नज़र लगती रहती है, तो उन्होंने भी अपने लल्ला की नज़र गाय की पूत से ही उतारी थी। दिन में 8 बार भोजन करने वाले श्री कृष्ण लगातार 7 दिन बिना अन्न जल के रहे। बारिश रुकने के बाद माता यशोदा और ब्रजवासियों ने 7 दिन और 8 प्रहर के हिसाब से 56 व्यंजन श्री कृष्ण के लिए बनाए। ऐसा कहा जाता है कि 56 भोग की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। गाय के गोबर से बने कंडे हवन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मकता नष्ट होती है। गौमूत्र को कई तरह की दवाइयाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है। कहते हैं गाय के शरीर पर हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर और संबंधित बीमारियां दूर हो जाती है। आप कहीं जरूरी काम से बाहर जा रहे हों और सामने गौ माता के दर्शन हो जाए तो इससे बहुत ही शुभ माना जाता है और कार्य भी बन जाता है। गाय माता गुणों का भंडार है, इसके गुणों पर जितना कहा जाए कम है। इसके तो दर्शन मात्र से ही काम सफल हो जाते हैं और गौसेवा से जीवन सफल हो जाता है। गौसेवा में आप और हम क्या कर सकते हैं, तो गौशाला को दुधारू गायों का दान दे सकते हैं, वर्षगांठ, सालगिरह या पुण्यतिथि पर बीमार एवं वृद्ध गौवंश की सेवा कर सकते हैं, लापसी, छप्पन भोग, सवामणि, तुलादान कर सकते हैं। यहाँ तुलादान किया जाता है। तुलादान यानी अपने वजन के बराबर गौचारा, गुड़ और गौ भोजन सामग्री का यहाँ दान दिया जाता है।
गौशाला में गोबर गैस प्लांट, गौ शरण गृह, चारा गृह, आवास गृह, सवदाह गृह और सांडशाला आदि के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। हमें गौ सेवा को कार्य नहीं अपितु अपना धर्म समझना चाहिए। अपनी आमदनी का एक भाग गौ सेवा के लिए जरूर देना चाहिए। एक ऐसा प्रकल्प जिसने भी सोचा, जिन्होंने भी मूर्त रूप दिया, जिन्होंने भी संभाला या संभाल रहे हैं, ऐसी सोच, ऐसी व्यवस्था, ऐसे सेवा समर्पण, ऐसे गौ प्रेमियों को सौ सौ सलाम करने को दिल चाहता है। पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जवारा एक सुपर फूड है। इसे अद्भुत लाभ देने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली स्वास्थ्यवर्धक भोजन माना जाता है। इसे यहाँ गौ माता को खिलाया जाता है। ये पहली गौशाला मैंने देखी जहाँ ये नवाचार हो रहा है। सुबह गौशाला में कई साधक योग के लिए आते हैं तो उन्हें भी स्वास्थ्यकारी जवारे का जूस दिया जाता है और इस तरह गाय और गाय प्रेमियों दोनों की स्वास्थ्य रक्षा हो जाती है। घी और गोबर धूप के साथ साथ और भी कई गौ उत्पाद यहाँ बनाए जाते हैं। विशाल चारा गोदाम हमने देखा। मातरे सर्वभूताणा गावे सर्व सुख प्रदा, यानी गौ माता संपूर्ण प्राणियों की माता है एवं सबको सुख देने वाली है। हाइड्रोफोनिक फोडर मशीन यानी कि हरा चारा उत्पादन मशीन। इन मशीनों द्वारा इजरायली तकनीक से जवारा उगाया जाता है। पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जवारा एक सुपर फूड है। इसे अद्भुत लाभ देने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली स्वास्थ्यवर्धक भोजन माना जाता है। इसे यहाँ गौ माता को खिलाया जाता है। ये पहली गौशाला मैंने देखी जहाँ ये नवाचार हो रहा है। इस इजरायली पद्धति से बिना खेत, बिना मिट्टी, कम पानी और कम श्रम और कम समय में खेती की जाती है। बालू, कंकड़ और अच्छे बीज का उपयोग होता है। मौसम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तापमान 15 से 30 डिग्री और नमी 80 से 85% रखी जाती है। पानी भी अपने आप जरूरत के हिसाब से ड्रिप करता है। 8 से 10 इंच का वीट ग्रास 7 दिन में बनता है। एक मशीन 3 क्विंटल ज्वारा प्रतिदिन बनाती है। एक ट्रे में 750 ग्राम बीज दिया जाता है जो 7 दिन में 10 केजी हो जाता है। ऐसी यहाँ 3 मशीनें लगी हैं जो 9 क्विंटल ज्वारा रोज बनाती है। इस मशीन में ज्वारा सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में 10-15 दिन एक जैसा रहता है। क्या है 56 भोग का गणित? कड़वा, तीखा, कछेला, अमल, नमकीन और मीठा, ये रस या स्वाद होते हैं। इन्हीं 6 रसों के मेल से 56 भोग बनाया जाता है। यहाँ भी गौ माता को 56 प्रकार के खाने की योग्य वस्तुएं खिलाई जाती है। कोई भी अपने जन्मदिन, सालगिरह पर 56 भोग करवा सकते हैं। कुछ घंटे गौशाला में परिवारजनों के साथ गौ माताओं के बीच बिताना किसी बड़े उपहार को पाने जैसा था। फिर मिलेंगे।
किसी मंदिर, गौशाला और आश्रम में गौ माता की रक्षा खातिर प्रतिबद्ध रहें, प्रयत्नशील रहें। जय गौ माता, जय गोपाल।